गुड मॉर्निंग बच्चों, तो या फिर गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो में देख रहे हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में क्या चल रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों क्लास फर्स्ट ईयर में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो बच्चों, जैसा कि हमने कई पढ़ा हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में, और हमने कई सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा कि जिन्होंने समय समय पर प्रयास किया था क्या करने के लिए, अपना पीरियोडिक टेबल खोजने के लिए। जैसे हमने ड्रमायर की बात की, हमने रिगलैंड की बात की, हमने लॉथरमायर की बात की, हमने मेंडलीव की बात की, हमने मोस्टेन की बात की। ठीक है बच्चों, तो हुआ क्या बच्चों की ये चीज सारे क्लास टेंथ में भी पढ़ चुके थे। तो बच्चों, कल हमने जो है काफी सारी चीजें पढ़ी। अब कल मैं आपको बता रहा था कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका क्या होता है। देखिए बच्चों, मैं तो यही बोलूंगा कि आप 18 ग्रुप और 7 पीरियड याद कर लीजिए। मैं तो यही बोलूंगा आपको, 1 से 18 तक और याद है। लेकिन हाँ, अगर इनके सबको कठिनाई हो रही है, नहीं आप याद कर पा रहे हैं, तो कम से कम जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप याद कर लीजिए एटलीस्ट। ठीक है, उससे फायदा ये होगा कि आपको बाद में क्वेश्चन लगाने में क्या होगा, बहुत तक आसानी होगी। तो बच्चों, मैंने आपको अगर बताया था कि जो पीरियड टेबल्स होते हैं वो SPDF में बढ़ते हैं। ठीक है, पहले के दो ग्रुप एस कहलाते हैं, 3 से 12 डी कहलाते हैं और 13 से 18 ई कहलाते हैं, और नीचे जो आप दो देखते हैं उसको F कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कल मैंने आपको बताया था कि S ब्लॉक को कैसे याद करते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा P ब्लॉक कैसे याद करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है बच्चों, P ब्लॉक जो होता है वो होता है आपका 13 से 18। ठीक है, तो 13 से 18 तक आप याद कराना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम पहले याद करेंगे ग्रुप 13 क्या होता है बच्चों, करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आप लिखिए तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आप ऐसे कर सकते, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि क्या करिएगा, इसको लिखिए। ठीक है, इसको क्या करिए, इसको क्या करिए, आप लिखिए। देखिए बच्चों, ग्रुप 13 में 5 एलिमेंट्स आते हैं। ये होता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, क्या होता है बच्चों, ये होता है बोरॉन, एल्युमिनियम, ये GA है, जी क्या होता है बच्चों, होता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। क्या होता है बच्चों, होता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। आईएनए इंडियम, याद करने का तरीका क्या है, फिर से बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। क्या अगला देखने क्या है बच्चों, अगला है आपका ग्रुप 14, और इसका बच्चों का निकलता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, इसका होता है बच्चों कहीं सिर्फ जी सुनी पार्वती। क्या होता है बच्चों इसका, इसका होता है कहीं सिर्फ जी सुनी पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, कहीं सिर्फ जी सुनी पार्वती। देखिए बच्चों, हम नीचे वाले की बात नहीं कर रहे, जैसे आपको ये लग रहा है नीचे वाला सूट रहा है वो रेडियक्टिव, तो देखिए बच्चों, हमको यहाँ पे रेडियक्टिव की बात नहीं करनी है। ठीक है, तो हमें रेडियक्टिव बात नहीं कर रहा, हमें बस आपको इतना भी याद करिए, काम चलेगा कि हम रेडियक्टिव की पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, और जिस चीज़ की हम पढ़ाई नहीं करते हैं उसको पढ़ने की कोई जरूरत हम आपको है नहीं। तो मुझे लगता है बच्चों ये बात क्लियर होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। ये क्या है इसका, ये है कहीं सिर्फ जी सुनी पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, ये करते हैं। हम अगला क्या है ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक,
एंटी मनी और बिस्मथ, ठीक है। क्या है बच्चों? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटी मनी और बिस्मथ, ये क्या है? नाना पार्टिकल ऐश्वर्य संधिकारक, क्या है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, नाना पार्टिकल ऐश्वर्य सब विकारी। तो ये क्या बच्चों? ये कौन सा है? नाना पार्टिकल ऐश्वर्य सब विकारी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये क्या हो गया? ग्रुप 15 हो गया आपका। ये ग्रुप 16 की बात करते हैं। ये बच्चों ग्रुप 16 क्या है? तो ग्रुप 16 आपका है ठीक है। तो पहले मैं पढ़ लूं, ये है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। क्या हो गया बच्चों? ये हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, OSS, OSSTPU। बच्चों अगर आप चाहिए तो आपने एक बार मैं कहूँगा कि आप अपने पास सिक्योरिटी टेबल रखे रहेगी ताकि आपको ये पढ़ने में आसानी हो, ना तो वही मार्क कर दीजिए आप। तो देखिए बच्चों इसका क्या होता है, इसका होता है बच्चों सल्फर से क्या होता है बच्चों? इसका ट्रिक होता है ओम संकर से टीको। क्या होता है? ओम संकर से टीको। क्या होता है? ओम संकर से टीको। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ओम संकर से टीको। ये क्या हो गया आपका बच्चों? ग्रुप 16 हो गया। अब आइए बात करते हैं बच्चों ग्रुप 17। ये बात इस करेंगे, अब हम बात करेंगे बच्चों ग्रुप 17 की। बच्चों ग्रुप 17 याद करना आसान है। देखिए बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन। क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन। इसका होता है बच्चों फर्स्ट सीवियर अटैक। इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है फर्स्ट सी वी आई अटैक। इसका क्या ट्रिक है बच्चों? इसका ट्रिक है फर्स्ट सीवीआई अटैक, फर्स्ट सीवीआई अटैक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन। क्या होगा? फर्स्ट सीवीआई अटैक। क्या होता है इसका ट्रिक? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन। क्या होगा? फर्स्ट सीवीआई अटैक। आइए तो ट्रिक की बात करते हैं। देखिए ये ऊपर में लिखा है बच्चों इसमें छह, अभी तक आप ये छह इसमें कितने बच्चों? देखिए एक, दो, तीन, चार, चार, देख लीजिए इसमें छह है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों की यहाँ पर अभी तक जो था यहाँ पर पांचवें एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे और यहाँ पे देखिए बच्चों छह एलिमेंट्स होंगे। इसमें मैंने इस फ्लोरीन से ऊपर लिखा है, ठीक है, तरीका यही होता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है बच्चों हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और पेरिडॉन। क्या होता है? हीलियम, एची, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, एक्सी, जेनॉन और पेरिडॉन। क्या होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और पेरिडॉन। इसका क्या ट्रिक होता है बच्चों? इसका होता है हीना, मीना और करीना। इसका ट्रिक क्या होता है? इसका ट्रिक होता है हीना, नीना और करीना का जवाब स्वर्णीम। यहाँ पे कहा यहाँ कहा से कोई मतलब नहीं है, बस राइम बनाने के लिए है। तो क्या होता है यहाँ पे? हीना, नीना और करीना का जवाब स्वर्णीम। हीना, नीना और करीना का जवाब स्वर्णीम। हीना, नीना और करीना का जवाब स्वर्णीम। क्या हो गया? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और
रेडॉन, क्या हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जिराना रेडॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जिराना रेडॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जिराना रेडॉन, क्या होगा मीना नीरा मीना का जवाब संकीर्ण। तो मुझे उम्मीद है बच्चों की आपको इतनी चीजें एटलीस्ट याद हो गई होंगी, और याद कर भी लीजिएगा क्योंकि ये बेहद नेसेसरी है, क्योंकि अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको इसकी इसका वैल्यू समझ आएगा कि क्यों मैं इतना आपको इम्फेसाइज कर रहा हूँ ये सारी चीजें याद करने के लिए, और मैं क्यों कह रहा हूँ आप इसको अपडेट वाइज याद कर लीजिए। ठीक है, आइए हम वापस पहला से यूज दिखाते हैं। ये चीजें बेहद नेसेसरी है बच्चों, ये चीजें मैं यही कहूंगा कि आप नोट करते चलिए, नहीं तो फिर बाद में आपको भूलेगा और फिर आपको पढ़ने मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि आप यहाँ क्या करिए, इसको पढ़ते जाइए और खुशी रहिए कि या तो इसको लिख कर आप याद करिए अच्छे से, या इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत नेसेसरी चीज है। ठीक है बच्चों, अब हम अगला आगे बच्चों अगले चीज मैथ नंबर क्या नोट कर लीजिए, आपको अगला बच्चों आप नोट कर लीजिए मैथ नंबर, पहले आप नोट करके फिर बताता हूँ क्या होता है। ये जो बच्चों ये है आपका जो मैजिक नंबर है, ये होता है बच्चों 2 5 8 18 18, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ये मैजिक नंबर है 2 8 8 18 18 32, ये मैजिक नंबर है। ठीक है, पहले बस इसको लिख लेते हैं। आप देखिए बच्चों मैजिक नंबर क्या होता है, जो मैजिक नंबर होता है बच्चों, जो मैजिक नंबर होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों किसी भी एटम देखिए बच्चों, जैसे कि आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं और आप 118 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर नहीं आता तो ये इम्पॉसिबल चीज है। हाँ, कुछ लोग याद कर लेंगे लेकिन ये इम्पॉसिबल चीज है। मैं कहूँगी हर कोई याद करे तो हर कोई 118 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद नहीं कर सकता। तो याद करने से बचने के लिए हम इस मैजिक नंबर को फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं समझिए। अब देखो बच्चों ये पर ट्रिक काम आएगा, जैसे मैं बोलूँ आप ग्रुप वन के एलिमेंट लिखे, ग्रुप वन के एलिमेंट लिखे क्या था, ह ली ना का रब से बनेगा, ये था। ठीक है बच्चों, काम आ गया यहाँ पे ट्रिक। अब मैं बोलूँगी बताइए कि फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर, तो आपको फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर पूछ लो तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको याद नहीं, और याद करना जरूरी भी नहीं है, और ना ही आप सब एटॉमिक नंबर याद कर पाएंगे, दोनों चीजें हैं। ठीक है, ये इम्पॉसिबल चीज है कि आप सारा का सारा एटॉमिक नंबर क्या कर पाए, याद कर पाए। तो क्या होगा बच्चों की यहाँ पे हम करते हैं, हाइड्रोजन को सबको याद है 1 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, 1 लिख के छोड़ दीजिए। अब देखिए बच्चों यहीं से ट्रिक स्टार्ट होती है यहाँ पे। ठीक है, देखिए बच्चों अब यहीं से क्या होगा, फिर क्या होगा, आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम नंबर कितना होता है बच्चों, पता है हाइड्रोजन एटम नंबर कितना होता है बच्चों, ठीक है 1 होता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्या है बच्चों, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन कितना है 1, ये तो कितना होगा 1+2 कर दीजिए 3। ठीक है, ये मैच हम चल रहे हैं, 1+2 कर दीजिए 3, सोडियम कितना होगा 3+8 कर दीजिए 11, पोटेशियम कितना होगा 11+8 कर दीजिए 9, रोडियम कितना होगा 19+18 कर दीजिए, कितना हो गया 19+18 37, सीजियम का अगेन 37+18 कर दीजिए, कितना हो गया 47 57 50, और फ्रेंसियम कितना हो गया बच्चों 55+32 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 87। अब आपको अगर ट्रिक याद है और अगर आपको ये मैजिक नंबर याद है तो आप आसानी से किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, अगर आपको ये ट्रिक याद है और आपको ये मैजिक नंबर याद है तो आप इस ट्रिक या मैजिक नंबर से आप क्या कर सकते हैं, उस किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए कैसे मैंने ये याद किया, ये चीज आपको याद करना पड़ेगा, क्या 2 8 8 18 18 32, सिंपल सी बात है, क्या 2 8 8 18 18 32 क्या है, 2 8 8 18 18 32 क्या है, 2 8 8 18 18 32 क्या है, 2 8 8 18 18 32। आपको ये याद कर देना, क्या करना है, ये मैजिक नंबर याद कर देना है। अगर आपको ये मैजिक नंबर याद है तो आप इस मैजिक नंबर से बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जज कर सकते हैं। कैसे मैंने जज किया देखिए, जैसे आपने ये लिखा ठीक है ग्रुप वन का एलिमेंट, तो ग्रुप वन का एलिमेंट क्या होता है, हलीना के रब से फरिया, आपको अगर याद है तो जैसे एलिमेंट भी बताया था,
और आप ऐसा बता है वन होता है, इसमें क्या करिए डिवाइड करिए थ्री, इस थ्री में एट ऐड करिए इलेवन, इस इलेवन में एट ऐड करिए नाइनटीन, इस नाइनटीन में एटीन ऐड करिए थर्टी सेवन, इस थर्टी सेवन में एटीन ऐड करिए थर्टी फाइव, इस थर्टी फाइव में थर्टी टू ऐड करिए एटी सेवन। देखिए अगर आपको ट्रिक याद था तो आप क्या कर दिए, बहुत आसान से ये चीजें निकल गए। अगर मानिए सेकंड की बात करिए, देखिए दूसरा क्या करिए, सेकंड क्या करिए क्या था बेटा मान लो का स्कूटर बाप राजू, क्या था बेटा मान लो का स्कूटर बाप राजू, ठीक है। तो देखिए बच्चों अगर इस नाम किसी का भी याद है, ठीक है, तो आप आसानी से याद करिए। बच्चों यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या मतलब, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और अगर उसके पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों ब्रेकिंग कितना होता है फोर, तो फोर प्लस एट ट्वेल्व। देखिए बच्चों हमने टू नहीं ऐड किया है, ऐड कर दिया। देखिए बच्चों अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो टू से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ब्रेक कितना होता है फोर, तो मैं कितना होता है ट्वेल्व, इसे कैसे चलेगा ट्वेंटी, फिर एट ऐड करेंगे एटीन कितना हो जाएगा थर्टी एट, फिर एटीन ऐड करेंगे कितना हो जाएगा फोर्टी एट, फिफ्टी एट, फिफ्टी सिक्स, और फिफ्टी सिक्स को थर्टी टू, सिक्सटी सिक्स सेवेंटी सिक्स, तो मुझे लगता है कि आपको ये ट्रिक याद आ गया होगा, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों एक चीज नोट करने वाली बात है कि ये जो ट्रिक था ये एस ब्लॉकिंग काम करता है, ये जो ट्रिक है इस पर काम करता है एस ब्लॉकिंग, कौन सा दो आठ अठारह अठारह बत्तीस, ठीक है। ये जो काम करता है किसमें काम करता है बच्चों, एस ब्लॉक के लिए काम करता है। चलिए अब आगे बात करते हैं ई ब्लॉक। देखिए बच्चों मैजिक नंबर यही है, बस फर्क क्या होता है बच्चों कि ई ब्लॉक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आठ अठारह अठारह बत्तीस। हम पी ब्लॉक कैसे इस्तेमाल करते हैं बच्चों, हम पी ब्लॉक के इस्तेमाल करते हैं आठ अठारह अठारह बत्तीस का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे, इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए, इसका मतलब हुआ क्या गया, हम देखते हैं क्या ग्रुप थर्टीन, ग्रुप थर्टीन क्या था बैगन आलू गाजर इन थैला। देखिए बच्चों पहला आपको याद होना चाहिए जैसे कि ये, अब ये देखिए एक से तीस तक आपको हटाना चाहिए, जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि आप एक से लेकर तीस तक तो याद कर लीजिए सब नंबर क्या होता है ना, ब्लड फ्यूजन, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ये पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। तो एक से लेकर तीस तक नहीं, तीस तक याद हो पा रहा है तो कम से कम बीस तक याद कर लीजिए। अगर आप बीस तक याद कर लेते हैं तो आपको सबके क्योंकि अट्ठारह तक ही जाएगा तो आपको ऊपर जो है सब याद रहेगा, ठीक है। लेकिन अब लेकिन तो उससे क्या होगा आप नीचे का निकाल देंगे, तो कम से कम बीस तक याद कर लीजिए और उसके बाकी का आप इस मैच नंबर से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे पी ब्लॉक की एस ब्लॉक में ग्रुप वन के लिए टू एट एट एटी थर्टी टू का इस्तेमाल किए थे, ग्रुप टू के लिए एट एट एटी थर्टी टू का इस्तेमाल किए थे, ठीक है। और बताया था क्यों, बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट होगा तो दो से, अगर सेकंड नंबर से स्टार्ट होगा तो यहाँ से। पी ब्लॉक के लिए बच्चों जो मैच नंबर होता है वो होता है एट एटी एटी थर्टी टू, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये बच्चों की इसका देखा होता है पांच, तो पी ब्लॉक की मैच नंबर ये होता है, ठीक है। पी ब्लॉक की मैच नंबर इतना नीच इतना छोटे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है भाई साहब पांच, अब ग्राउंड का बुला देते हैं कितना होता है पांच, तो एनुअल कितना होता है फाइव प्लस एट थर्टीन, गैलियम का थर्टीन प्लस एटीन कितना हो गया एटीन ट्वेंटी एट थर्टी वन, इंडियम कितना हो गया थर्टी वन प्लस एटीन कितना हो गया आपका फोर्टी नाइन, और फोर्टी नाइन प्लस ट्वेंटी कितना हो गया फिफ्टी नाइन, सिक्सटी नाइन थर्टी नाइन एटीन। क्या ये क्लियर है बच्चों, क्या ये क्लियर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, ठीक है, डी ब्लॉक की यहाँ बात नहीं करते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एस और पी ब्लॉक ग्रुप के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। यही रीजन था कि मैं ये कह रहा था कि आप कम से कम एस और पी ब्लॉक ग्रुप वाइज ट्रिक्स तो कम से कम याद कर लीजिए। आप डी ब्लॉक को छोड़ दीजिए, एस को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एस को और पी को ऊपर से लेकिन टॉप से लेकर बॉटम का जो ट्रिक है उसको आप कम से कम याद रख लीजिए, उसको ये भी नेसेसरी है कि सारे क्वेश्चंस बाद में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको मुझे लगता है उम्मीद नहीं याद जाएगा, तो ऐसे आप करके किसी भी आप देखिए अगर आप ग्रुप वन की बात कर रहे हैं तो याद कर लीजिए, अगर ग्रुप वन की बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए बच्चों एक और चीज याद कर लीजिए, ग्रुप वन और ग्रुप एटीन के लिए, ग्रुप वन और ग्रुप एटीन के लिए मैच नंबर होगा टू एट एटीन एटीन थर्टी टू। मैच नंबर मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर आपको ऊपर वाला याद है तो उसमें लगातार जोड़ते जाएंगे, ठीक है। ग्रुप वन और एटीन के लिए
ग्रुप वन और एटी के लिए मैक नंबर ये होगा, मतलब अगर आपको ऊपर वाला पता है तो उसमें 2, 8, 18, 32 आप याद कर लीजिए, ठीक है। हालांकि नहीं, इसमें ग्रुप फर्स्ट में होगा, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट में होगा। ग्रुप टू के लिए क्या होगा बच्चों? ग्रुप टू के लिए होगा 8, 18, 18, 32। ग्रुप टू के लिए मैं नंबर क्या होगा? बस आगे का 2 हटा देंगे, बाकी सेम रहेगा। पी ब्लॉक के लिए होता है बच्चों सबके, पी ब्लॉक के लिए होता है 13 से लेके 17 ग्रुप। पी ब्लॉक के लिए 13 से लेके 17 ग्रुप क्या होता है बच्चों? मैं नंबर 8, 18, 32 बच्चों। और ग्रुप 18 के लिए होता है बच्चों, ग्रुप वन के लिए क्या होता है बच्चों? देखिए ये तो याद करना नेसेसरी है आपको, क्योंकि इसी में से बस आगे का कुछ कुछ हटा दिया गया है। तो ग्रुप वन के लिए होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ग्रुप टू के लिए होता है 8, 8, 18, 18, 32। मतलब पहले वाला, अगर पहले वाला पता है तो उसमें 2, 8, 8 जोड़ते जाइए, पहले वाला पता है उसमें 8, 8, 18 जोड़ते जाइए। पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक में क्या पता था? पी ब्लॉक के जो ग्रुप होता है वो होता है 13 से लेके 18 तक। पी ब्लॉक का ग्रुप क्या होता है? पी ब्लॉक का ग्रुप होता है 13 से लेके 18 तक, ठीक है। तो 13 से 17 तक कौन सा काम आता है? 8, 18, 18, 32 काम आता है। और ग्रुप 18 में क्या काम आता है? 8, 8, 18, 18, 32 काम आता है। अगर ये चीज आपको इतना याद है, तो अगर आपको ट्रिक से याद है ऊपर देखे नीचे के, तो अगर आपको पहले वाले किसी भी ग्रुप का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसकी सहायता से नीचे का सारा इकट्ठा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि यहाँ तक इतनी बातें क्लियर होंगी, और ये बातें बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल साफ दिख रहा है स्क्रीन में, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि इसको आप अगर पढ़े हैं तो अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, लगे आज बच्चों कुछ और नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, मैंने उसके बारे में बात नहीं किया है, अभी तक बात कर लेते हैं। एफ ब्लॉक में क्या होता है कि 2 पीरियड्स होते हैं, एक तो बोलते हैं एक्टिनाइड्स, एक को बोलते हैं लेंथेनाइड्स। अब ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों? ये सब चैप्टर आगे आपको डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। याद करिए बच्चों, एक को बोलते हैं एक्टिनाइड और एक को बोलते हैं लेंथेनाइड। चलिए ऐसे, मतलब जैसे जो ऊपर वाला होता है वो लेंथेनाइड होता है, और जो नीचे वाला होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला होता है उसका लेंथेनाइड, जो होता है एक्टिनाइड। देखिए बच्चों, जो लेंथेनाइड होते हैं वो होते हैं 58 से 71 तक, जो लेंथेनाइड होते हैं वो होते हैं 58 से 71 तक, 58 से 71 तक क्या होते हैं बच्चों? लेंथेनाइड होते हैं, और 90 से लेकर 102 तक को हम एक्टिनाइड होते हैं, ठीक है। लेंथेनाइड्स को बोलते हैं बच्चों 58 से लेकर 71 तक, और ये मुझे लगता है 102 होता है। और एक्टिनाइड्स क्या बोलते हैं? 90 से 103 पर एक्टिनाइड्स बोलते हैं। इन दोनों में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 14 में 14 एलिमेंट्स, मतलब 28 एलिमेंट्स से मिलकर क्या बनता है? एफ ब्लॉक बनता है। और एफ ब्लॉक में 2 पीरियड होता है, एक पीरियड का नाम है बच्चों आपका क्या? एक पीरियड का नाम है आपका लेंथेनाइड, जो ऊपर वाला होता है वो लेंथेनाइड होता है, जो नीचे वाला होता है वो एक्टिनाइड होता है। लेंथेनाइड में जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो होता है 58 से 71 तक, और जो लेंथेनाइड में जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 90 से लेके 103 तक। इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट के टोटल कितने हैं? 28 एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक में कितने टोटल? 28 एलिमेंट्स होते हैं, 2 पीरियड्स होता है, ठीक है, और ऐसे करें और ये एलिमेंट्स में होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए अब आइए बच्चों, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ब्लॉक्स। क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं? ब्लॉक्स। पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों एस ब्लॉक, पहले किसकी बात करेंगे हम लोग? पहले हम लोग बच्चों याद करेंगे एस ब्लॉक। यहाँ दिख रहा है साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है। हम बच्चों एस ब्लॉक याद, तो देखिए बच्चों मुझे लगता है कि आपको रट गया होगा एस ब्लॉक क्या होता है। देखिए बच्चों,
पहले और दूसरे ग्रुप को बोलते हैं क्या, एस1। और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है वो होता है बच्चों NS1। और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS1 से 2। मतलब इसके सारे एलिमेंट्स जो होते हैं मेटल होते हैं, और एलिमेंट्स आर मेटल्स। ठीक है, एक चीज और याद कर लीजिए बच्चों, ग्रुप वन को बोलते हैं हम अल्कली मेटल, ठीक है। देखिए यह चीज और आप नोट कर लेंगे, यहां पे आप नोट कर लेंगे क्या बच्चों, यहां पे जो ग्रुप वन होता है बच्चों, यहां जो बच्चों ग्रुप वन होता है इसके नाम्स होते हैं, ठीक है। जनक SN1 से 2 बच्चों जो ग्रुप वन होता है इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। देखिए बच्चों हालांकि दोनों ग्रुप क्या है, मेटल्स है, मतलब एस ग्रुप में मिलने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उनका भी अलग नाम है, ग्रुप वन को बोलते हैं बच्चों अल्कली मेटल और ग्रुप टू को बोलते हैं बच्चों अल्कलाइन मेटल। क्या बोलते हैं बच्चों, देखते हैं ग्रुप वन को बोलते हैं बल्कि बच्चों अल्कली मेटल और ग्रुप टू को बोलते हैं बच्चों अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या हुआ, ग्रुप वन को बोलते हैं बच्चों अल्कली मेटल और ग्रुप टू को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब एस ग्रुप के दो ग्रुप होते हैं वन और टू, इनका जनरल इलेक्ट्रॉन कंफ्यूजन कितना होता है NS1 से 2। असल ध्यान में पड़ता, मैं समझा रहा हूँ अभी, इसके सारे के सारे एलिमेंट मेटल होते हैं, ग्रुप वन को बोलते हैं बच्चों अल्कली मेटल और ग्रुप टू को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये बात क्लियर है, चलो अब देखिए बच्चों इसके ध्यान रखूंगा। देखिए हुआ क्या बच्चों, आगे कोई भी हम ले लेते हैं दो एग्जांपल, जैसे कि ग्रुप फर्स्ट ले लेते हैं, क्या ग्रुप फर्स्ट ले लेते हैं बच्चों, आप ग्रुप वन से लेते हैं तो सोडियम को और पोटेशियम, ठीक है। और ग्रुप टू से कर लेते हैं बच्चों, ग्रुप टू से लेते हैं मैग्नीशियम ले लेते हैं और कैल्शियम ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, ये दो चीजें लेते हैं। अब आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन इतना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन का मुझे लगता है कि आप लोगों को सेकंड चैप्टर से आ गया होगा, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत कायदे से बताया है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन किसी चीज का लिखते हैं आप बाओ प्रिंसिपल के हिसाब से। तो देखिए बच्चों, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 11, कितना होता है जो 11 को सिलेक्ट करेंगे, 1s2 2s2 2k6 3s1। पोटेशियम कैसे लिखेंगे बच्चों, पोटेशियम होता है 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3s1 और कैल्शियम का होता है बच्चों 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। दिख रहा है स्क्रीन में, बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ, ठीक। तो चलिए बच्चों देखेंगे क्या यहाँ पे, क्या हम देख रहे हैं, आपको ये देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने क्या किया है, ग्रुप वन से मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपको। अब देख सकते हैं बच्चों कि जो ग्रुप फर्स्ट में लिखा हमने लिखा कि जो हमारा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है वो कितना होता है बच्चों, हमारा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है वो होता है बच्चों आपका NS1 से 2। इसका मतलब यह बच्चों कि एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा, एस में जाएगा, एस ऑर्बिटल में जाएगा। और एस ऑर्बिटल में या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होंगे या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या बोला मैंने, ये बोला कि एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, एस ऑर्बिटल में। और जब एस ऑर्बिटल में जाएगा तो उस एस ऑर्बिटल में जाने का मतलब है कि या तो उस एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। और देखिए यहाँ पे हम किसकी बात करें, सोडियम की। अब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। देखिए
1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर है? यानी देखिए लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन वो कहाँ गया है, s ऑर्बिट में गया है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। उसी तरह से अगर हम पोटेशियम की बात करें कितना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, s ऑर्बिट में, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, s ऑर्बिट में, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो। और कैल्शियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, s ऑर्बिट में, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो। यानी इसका मतलब हो गया, इसे कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि जो s ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो या तो वो जाएगा s ऑर्बिटल में, और या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में होगा या फिर दो होंगे। यही इसका मतलब। क्लियर है? चलिए आगे बच्चों हम बात करते हैं p ब्लॉक। बच्चों पी ब्लॉक का जो पी ब्लॉक का जो ग्रुप होता है वो होता है 30 से लेके 18। 13 से 18 ग्रुप को बोलते हैं क्या बच्चों, पी ग्रुप। 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक के बच्चों पी ग्रुप को बोलते हैं क्या बच्चों, पी ब्लॉक। इसमें दो चीज खास है, इसमें मेटल्स पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं, और मेटलॉइड भी पाए जाते हैं। मतलब इस ब्लॉक में, मतलब इस ई ब्लॉक में मेटल्स मिलता है, नॉन मेटल्स मिलता है, और मेटलॉइड मिलता है। मेटल्स पता है क्या होता है, नॉन मेटल्स पता है क्या होता है, और मेटलॉइड मतलब जो लगभग आपका जो मेटल और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टी रखता है, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है। मतलब ये ऐसी चीजें जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज अपने पास होल्ड करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। मेटल्स आपको पता होगा, क्लास में पढ़े हैं, नॉन मेटल्स पता होगा। मेटलॉइड का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल की और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दोनों को अपने अंदर होल्ड करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों इसमें कुछ चीज, इसमें ग्रुप 17 को बच्चे बोलते हैं, ग्रुप 17 मतलब वही फर्स्ट सीवियर अटैक वाला। कौन सा? फर्स्ट सीवियर अटैक वाला। इसको बोलते हैं बच्चों हैलोजन, इसको बोलते हैं हैलोजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं बच्चों ग्रुप 17 को जो फर्स्ट सीवियर अटैक वाला है, तो क्या बोलते हैं बच्चों, हैलोजन। और ग्रुप 18 को जो कौन सा है, ईना लीना और करीना का जुराव सरंगी, ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चों नोबल गैसेस। इसको बोलते हैं बच्चों नोबल गैसेस, इनॉर्ड गैसेस कई सारे नाम है, ठीक है। इसका नाम इस ग्रुप का नाम है नोबल गैसेस। ग्रुप 17 जो फर्स्ट सीवियर अटैक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजन ग्रुप। और ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं बच्चों, नोबल गैसेस या इनॉर्ड गैसेस बोलते हैं। नोबल गैसेस या इनॉर्ड गैसेस मतलब ये अनरिएक्टिव होती है, ये किसी से भी जल्दी रिएक्ट नहीं करती या रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। ये अनरिएक्टिव होती है, ठीक है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन होता है बच्चों, जनरल इलेक्ट्रॉन वो होता है NS1 2 NP1 6। अब क्या मतलब बच्चों, आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मिलते हैं बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसी का है, इसका होता है H1S2 2S2 2P6। आइए और लेते हैं 2S2 2P6 देखिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉन मतलब होता है बच्चों, इसका बच्चों इसका मतलब ये होता है बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन मतलब ये होता है बच्चों कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा। देखिए बच्चों ब्लॉक से ही क्लियर है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एस का एस में जाएगा, पी का पी में जाएगा, डी का डी में जाएगा, एफ का एफ में जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका जो बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन होता है वो होता है NS1 2 2 NP1। इसका मतलब है कि पी ब्लॉक का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पी ऑर्बिटल में, और उसमें एक से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे पी में 4 था, यहाँ पी में 1 है, और पी वाले से जस्ट पहले हमेशा कौन आएगा, एस आएगा। देखिए पी से पहले कौन आ रहा है, एस, पी से पहले कौन आ रहा है, एस। तो ये क्या है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन, क्या NS1 2 2 NP1 6। मतलब याद रखिएगा कि पी ब्लॉक का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा कहाँ जाएगा, पी ऑर्बिटल, पी मतलब पी ब्लॉक का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पी ऑर्बिटल में, और पी ऑर्बिटल में इसमें या तो एक से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एस में एक से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो एक से 2 हो सकते हैं, उसमें कितना हो सकता है, 1 से 6 हो सकता है, ये बात क्लियर है। चलिए और हमेशा पी से पहले एस आएगा, पी से पहले हमेशा एस आएगा, ये याद देने का सबसे तरीका है, ये बात क्लियर है। चलिए और इसमें कोई बनाने की बात तो नहीं है, और इसमें आपको बताई दी है, मैंने नंबर वगैरह से बताई दी है।
अगले की बात करते हैं, इसकी आगे की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक होता है बच्चों 3 से लेकर 12 को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं। देखिए बच्चों कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं, देखिए इसमें इस एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये अपने बहुत ज्यादा ट्रांजिट करते हैं। ट्रांजिट का मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स अपर और हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में फिर लोअर साइड में जाते रहते हैं। तो अभी वो बात की बात है बच्चों, डिटेल में पढ़ेंगे हम। अगर अभी इसको याद करिए, अभी इसको बोलते हैं क्या बच्चों, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन होता है बच्चों वो होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन होता है बच्चों वो होता है ये। अब इसमें कुछ खास बात है बच्चों, इसमें खास बात यह है कि आप देख रहे होंगे ये, ठीक है। तो आइए पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या है। डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट लेते हैं बच्चों, जैसे कि हम डी ब्लॉक का एलिमेंट लेते हैं क्या, चलिए आयरन लेते हैं, आयरन लेते हैं, कितना होता है 26 होता है, ये लिखते हैं 3D 4s से क्या होगा पहले आएगा। तो मतलब d ऑर्बिटल के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेकंड शेल में भरते हैं, समझ में आया। मतलब d ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में जाता है, मतलब उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में भरते हैं, ठीक है। मतलब सेकंड लास्ट शेल में भरते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं बच्चों, पैनी अल्टीमेट शेल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि d ब्लॉक के जो एलिमेंट के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पैनी अल्टीमेट शेल में जाता है। कहां जाता है, पैनी एलिमेंट में। क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे कि d ब्लॉक एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाता है, पैनी अल्टीमेट शेल में जाता है, मतलब सेकंड लास्ट शेल में जाता है। ये बात क्लियर है। इस वजह से यहाँ पर एन है, देखिए क्या है, एन माइनस वन, देखिए यहाँ पर 4s है, कितना है 3d है, क्लियर है। चलिए तो आप लिख लीजिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पैनी अल्टीमेट शेल। क्या लिखेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पैनी अल्टीमेट शेल। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों वो कहा जाता है, पैनी अल्टीमेट शेल में आता है। एक चीज और याद रखिए, ये जो होते हैं दे फॉर्म कंपाउंड्स कलर्ड बॉन्ड्स। देखिए बच्चों, जो आप मैक्सिमम कंपाउंड देखेंगे या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बच्चों यहाँ पे देखिए बच्चों, ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कलर कंपाउंड का फंक्शन करते हैं और कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये इनकी खास बात है। पहली बात क्या है कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पेनी अल्टीमेट शेल में जाता है, और दूसरा क्या है कि ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि अब जब आप कॉर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि बहुत सारे जो है आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखने को मिलते हैं, और जिसमें से मैक्सिमम नंबर में क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं।
ये क्या बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी आपको कलर कंपाउंड मिलेंगे वो ज्यादातर डी ब्लॉक से आते हैं, मतलब ये कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। और जो ज्यादातर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैटलिस्ट मतलब एफी का इस्तेमाल करते हैं, निकिल का इस्तेमाल करते हैं, प्लेटियम का इस्तेमाल करते हैं, प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, तो जितने भी आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं। तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ये कलर कंपाउंड बनाते हैं और ये किसी का इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट का। इस वजह से क्या है, इतने खास है। बात करेंगे बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, इसकी बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट को बच्चों पता है क्या होता है, इसका कोई ग्रुप तो नहीं आप बोल सकते क्या है, लेकिन अब अगर इसकी बात करिए, इसकी बात करिए बच्चों, तो ये जो होता है बच्चों ये ग्रुप थ्री से बिलोंग करता है। ये कहाँ से बिलोंग करता है, ग्रुप थ्री से। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बच्चों ये ग्रुप थ्री से बिलोंग करते हैं। ये कहाँ से बच्चों बिलोंग करते हैं, ग्रुप थ्री से बिलोंग करते हैं। बस फर्क इतना है बच्चों की जो लेंथ है ना हाइट्स है, जो लेंथ हाइट्स है और जो एक्टिन हाइट्स है, लेंथ नाइट पीरियड सिक्स में आता है और लेंथ नाइट्स और एक्टिन नाइट पीरियड सेवन में आता है, ठीक है, नोट करेंगे। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है बच्चों वो क्या होता है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो ग्रुप थ्री से बिलोंग करते हैं और लेंथ नाइट पीरियड सिक्स में आता है और इंटरनेट में आता है, पीरियड सेवन में आता है, ठीक है। अब देखिए इनका जो है जनरल इंटरनेट का कोई बहुत परफेक्ट पैटर्न नहीं है, मतलब किसी परफेक्ट पैटर्न से ये वो नहीं करते, मतलब वो नहीं करते, लेकिन तब भी मैं लिख रहा हूँ जो इसका होता है बच्चों वो होता है, देख लीजिए ये होता है एन एस वन से टू, एन माइनस वन जीरो वन टू और एन माइनस टू वन से टू टू। ये क्या क्या है बच्चों, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है, एन एस वन से टू, एन माइनस वन जीरो जीरो वन टू और क्या होता है बच्चों एन माइनस टू एफ वन से फोर्टीन। देखिए बच्चों इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, ये तो समझ ही रहे होंगे कि एन माइनस वन मतलब ये से एस वाले से छोटा होगा और जो एफ इधर होगा वो डी वाले से एक और छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि हालांकि इसमें बहुत बड़े बड़े कंपाउंड एलिमेंट्स आते हैं, इसमें उसका इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, आप चाहिए तो घर पर एक बार लिख कर फाइल कर सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किसमें आता है बच्चों, वो आता है एंटी पेनी एलिमेंट सेल में, जैसे कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड सेल में बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब थर्ड लास्ट में बढ़ते हैं, मतलब देखिए बच्चों इससे क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा बच्चों जैसे कि इसका मतलब ये होगा कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड लास्ट सेल में बढ़ते हैं, मतलब एंटी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एंटी पेनी एलिमेंट सेल। वो क्या था, पेनी एलिमेंट सेल, ये क्या है एंटी पेनी एलिमेंट सेल। तो मतलब ये बच्चों जब हम डी और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे और डिटेल में पढ़ना है, इसमें उतना डिटेल नहीं जाना, बस मैं आपको केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंक्लूजन क्या होता है, ये होता है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंक्लूजन क्या होता है, ये होता है एन एस वन से टू, एन माइनस वन डी जीरो वन टू और एन माइनस टू एफ वन से फोर्टीन तक। इसका मतलब ये होगा बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जाएगा एनी पर्टिकुलर सेल में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये थर्ड लास्ट सेल में इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो बच्चों यही आपके ब्लॉक्स हैं, तो और मुझे लगता है कि बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये कहाँ होता है बच्चों, ये एफ ब्लॉक ग्रुप थ्री से बिलोंग करते हैं और लेंथ नाइट पीरियड सिक्स में आता है, एक्टिनाइट पीरियड सेवन में आता है और इसका जनरल इलेक्ट्रॉन होता है एन एस वन से टू। और देखिए बच्चों एक चीज और, एफ ब्लॉक में जो डी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनके डी ब्लॉक्स में केवल या तो जीरो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या तो वन आएगा या तो टू, मतलब भले से डी ब्लॉक की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स की होने की होती है लेकिन एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स में जो डी जो ऑर्बिटल्स में केवल या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता या तो एक आता, यानी कि दो से अधिक इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं आ सकता, इसमें डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल में, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में टू को एक्सीड नहीं कर सकता, मतलब या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा जीरो, या तो वन आ सकता है या तो मैक्सिमम टू आ सकता है, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ब्लॉक में दो से अधिक नहीं आते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको अच्छा पूरा क्लास समझ में आया होगा, आखिर क्लास इंपॉर्टेंट भी था और ये ऐसा क्लास था जो आपकी केमिस्ट्री को मजबूत बनाता है, ये ऐसी क्लासेज हैं जो आपकी केमिस्ट्री को क्या करती हैं, मजबूत बनाती हैं। तो बच्चों घर पर रहिए, पढ़ाई करते रहिए।